For coming and World Kidney Day, actually it's not a celebration, it's about more about awareness. हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. सो टू कीप अवे द इलनेसेस, टू कीप अवे द बैड थिंग्स, जो दुख से दूर करने के लिए. तो लाइफ इज मोर अबाउट अ होलिस्टिक अप्रोच. And as Dr. Mukherjee rightly said, it's not about that kidneys and hearts and livers. It's more about overall, if you look at the approaches. And aap sabne zindagi mein apne bahut sare tajurbe kiye honge. To jab aap dialysis pe aate hain, jab aap kidney disease se peede hote hain, to aisa lagta hai jaise pura parivar jo hai wo kidney kidney ke aas paas hi ghoom raha hota hai. To pure parivar ki jo mentality hoti hai wo yahi ho jati hai ki aaj ghar se aaye hain, kal fir dialysis pe jana hai, फिर घर आए कल फिर जाना है, तो परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता. तो दो दो चीज़ें हैं जो इसको आसान बना सकती हैं. एक, जो किडनी से पीड़ित है, ठीक है वो तो है पार्ट उसका, उसको उनको डायलिसिस भी करना है, ट्रांसप्लांट के लिए भी अगर है तो जा सकते हैं. लेकिन अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों को भी महत्व देना शुरू करें, जैसे ये एक तरीका था हील करने का. सो डॉक्टर्स आर नॉट सपोज टू ट्रीट बट ऑल्सो हील द पेशेंट. सो हीलिंग मीन्स physical, mental and social. So that kind of holistic approach has to be there. And secondly, as I say, के अंगदान महादान होता है, जो डॉक्टर मुखर्जी ने इतनी अच्छी बात की कि वो 30 लाख से सिर्फ 2 लाख पे क्यों ट्रांसप्लांट तक पहुँचते हैं और उस जर्नी को कवर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन का बहुत ही एक पुराना गाना आया था जिसमें एक दो लाइनें थी कि मर के भी किसी के काम आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कराएंगे, कहेगा फूल हर गली से बार बार कि जीना इसी का नाम है. तो मेरे ख्याल से वी हैव टू लुक एज अ सोसाइटी, वी हैव टू कम आउट एज अ सोसाइटी, वी नीड टू कम आउट एंड प्लेज के हमें अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग करना है. जैसे कोविड टाइम में हमने देखा, वी इंडियंस केम आउट एज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज.